आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार में नियोजित अभ्यर्थियों को लेकर पटना हाई कोर्ट की तरफ से अभी अभी क्या अपडेट आई है और आप लोग कितने नंबर पर आपको अपना जिला मिलेगा, कितने नंबर का बोनस अंक देने की बात कही गई है, रिजल्ट और उत्तर कुंजी पर क्या अपडेट है, फिलहाल रिजल्ट कब आएगा क्योंकि उत्तर कुंजी तो आ चुकी है लेकिन उत्तर कुंजी किसकी किसकी दोबारा जारी होगी वो सारी चीज़ें आपको, साथ ही साथ आप लोगों का वेतन कितना बढ़ाया गया ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र और आप लोगों की छुट्टी पेमेंट ट्रांसफर पर बड़ी अपडेट आ रही तो पूरा वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों का जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि बिहार में काफ़ी दोस्तों मेहनत देखने को मिल पा रही, टीचर अभ्यर्थियों काफ़ी दोस्तों कार्य करना पड़ रहा है और उसके बावजूद जो पेमेंट है वो काफ़ी कम है। अब दूसरी चीज़ पर बड़ी अपडेट है छुट्टी को लेकर, ये कहा गया गर्मी की छुट्टी को लेकर ही पहले बताएंगे, अप्रैल में छुट्टी देने की बात कही गई, हालांकि एक मंथ पूर्व ही छुट्टी इस बार दी जा रही है, ठीक है। और होली को लेकर बड़ी अपडेट है 24-25 को आप सभी की छुट्टी होगी, मैंने पहले कहा था 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, 24 को संडे हो गया, 25 को होली आपकी है खेली जाएगी, तो 24-25 को। ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी अपडेट है, जिला आपको कितने मार्क्स पर मिलने वाला है, कुछ चीज़ें देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएंगे, ठीक है, कितने नंबर पे आपको अपना जिला मिलेगा ये बाद में बताएंगे, पहले आपको बता दें उत्तर कुंजी से संबंधित। कल देर रात आपकी 26-29 उत्तर कुंजी जारी हो चुकी जिसमें आंसर की में काफ़ी रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है, तो दोबारा जारी करने की बात कही गई है, हालांकि 2 से 6 मार्च की पहले ही जारी हो गई थी। कुल मिलाकर यही कि 26 से 6 मार्च आपकी सभी की जो उत्तर कुंजी वो जारी हो चुकी है पहले ही, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आएगी सक्षमता परीक्षा को रिजल्ट को लेकर, ठीक है, उस पर बात आप सभी के लिए कर लेते हैं। सक्षमता परीक्षा रिजल्ट को लेकर कहा गया 1-2 दिन के अंदर ही आप सभी का, मतलब कि 22-23 मार्च को आप सभी का जो रिजल्ट है वो दोस्तों परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाएगा। बोनस अंक को लेकर बड़ी अपडेट आ रही, सभी अभ्यर्थियों को हार्ड शिफ्ट में बोनस अंक देने की बात कही गई कि आप सभी को कुछ ना कुछ बोनस अंक दिएगा, सभी का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें हाई कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है, नियोजित अभ्यर्थियों ने लगातार प्रयास किया कि उनको बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए क्योंकि नियोजित अभ्यर्थी ऑलरेडी पहले से ही सक्षम थे, टेट क्वालिफाइड सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं और 15-20-22 साल से नौकरी पर कार्यरत रहे हैं और 2002-2012 के नियमावली के अनुसार लगे हुए हैं, तो यही मांग की गई कि सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाई जाए, बिना परीक्षा के उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। हाई कोर्ट की तरफ से जिस पर सहमति दिखाई जा रही है और नियोजित शिक्षक की बड़ी जीत देखने को मिल सकती है क्योंकि ऑर्डर यहां पर रिजर्व हो चुका है और फैसला इस पर जल्द जल्द सीधा आपको देने की बात यहाँ पर कही गई है। फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से अब सीधा आपको फैसला देखने को मिलने वाला है, इस पर जल्द जल्द फैसला देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे पेमेंट को लेकर, पेमेंट बताने से पहले सक्षमता परीक्षा पर अब वर्तमान में पेमेंट कितनी होने वाली है आप सभी अभ्यर्थियों को लेकर, उससे पहले आपको बता दें अगर आपके 85 या 86+ मार्क्स बन रहे तो आपको अपना जिला पहले नंबर का मिलेगा, तो आपको जिला चॉइस में आपको पहला नंबर मिलेगा तो आप अपना वही जिला चॉइस करिएगा जो आपको चाहिए पास हो नज़दीक हो, लेकिन 80 से 70 के बीच वालों को दूसरा जिला मिलेगा और 60 से 70 के मध्य वालों को तीसरा जिला मिलेगा, तो पहला दूसरा जो भी जिला आपको शुरुआत के रखने हैं वो पास नज़दीक होने चाहिए, ठीक है। चलो अगली अपडेट यहाँ पर देते हैं, अभ्यर्थियों का डाउट था कि सक्षमता परीक्षा जो है अगली कब देखने को मिल सकती है अगर हाई कोर्ट का आदेश ना आए या जो भी, तो हालांकि अप्रैल के लास्ट में कहा गया कि अगली सक्षमता परीक्षा 2.0 अप्रैल के लास्ट में देखने को मिलेगी, 3 बार ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देखने को मिलने वाली है। अब बात करेंगे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में आप सभी को 8% का लाभ मिलने वाला है, पेमेंट आपकी हालांकि टोटल पेमेंट इतनी है 39,500 रुपये, उसमें भी आप लोगों का क्या है कि थोड़ा ध्यान समझिएगा, उसमें भी आप लोगों का क्या है कि एनपीएस कटता है, एनपीएस कटता है 4,000 के आसपास, देखो कटता तो हालांकि 4200 है 4300, लेकिन हम एक्यूरेसी 4,000 की लेके चल रहे हैं, तो बैंक में कितनी पेमेंट आएगी 34,500 रुपये 8% शहरी क्षेत्र, नगर निगम में 6% का प्रॉफिट, 4,000 लॉस आप लोगों का एनपीएस में और रिड्यूस होगा तो 35,000 आपका बचा, ठीक है। हालांकि इसमें भी 2 बातें निकल के आती हैं, एनपीएस गवर्नमेंट भी होता है जिसमें 5-6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है, तो इसी में 2,000 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं 39,000 में, तो आपके 42,000 हो जाते हैं, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी है बैंक इसमें कितनी पेमेंट आती है उसमें एनपीएस घटा दीजिएगा 4,000 तभी आप निकालिएगा, तो ये 34,500 हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि ये पुराना डाटा है, ये पुराने पहले कितनी मिलती थी वो आपको बता दिया और वर्तमान में अब आपकी कितनी मिलेगी ये आपको बता दिया। नगर निगम क्षेत्र में 6% का प्रॉफिट है और 4% ग्रामीण क्षेत्र में, 8% शहरी क्षेत्र में। तो दोस्तों इसको लेकर बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है, ये कहा गया हाई कोर्ट की तरफ से जल्द जल्द इस पर ऑर्डर आने वाला है और रिजल्ट जो है उसका प्रारूप प्रक्रिया बनकर तैयार किया जा रहा है, 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा 22 या 23 मार्च तक
ठीक है, और इन्हीं दो डेट में आना 22 या 23 को, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आंसर की, हालांकि 26-29 तारीख की वाली काफ़ी गलत आई, जिसके तहत दोबारा जारी करने की बात कही गई है, और आप सभी को रिजल्ट में बोनस अंक भी देखने को मिलने वाले हैं, बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो फिलहाल यही अपडेट है, 94% स्टूडेंट पास है साक्षमता परीक्षा में और 6% फेल है। हालांकि फॉर्म भरा था नियोजित अभ्यर्थियों ने साक्षमता परीक्षा में कितने आप लोगों का 2,55,000 के आसपास, ठीक है, 2,55,000। और यहाँ पे बात करेंगे आप साक्षमता परीक्षा में जो अभ्यर्थी छूट गए थे उन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है। काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट आप लोग पूरे रेडी रखिएगा, वरना आपको बाहर किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट पूरे पहले से रेडी रखिएगा, और रिजल्ट आपका जैसे आएगा इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।